नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। एमएलसी चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 9 अप्रैल को होने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में 27 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा है। बता दें कि स्थानीय निकाय एमएलसी की 36 सीटें बीते महीने मार्च में खाली हुई थी, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है, जबकि 27 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। वोटिंग की तारीख 9 अप्रैल है, जिसके नतीजे 12 अप्रैल को सामने आएंगे। यूपी एमएलसी चुनाव 2022, बीजेपी और सपा में टक्कर। 36 सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान। 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय। 12 अप्रैल को मतगणना। यूपी एमएलसी चुनाव में कितने प्रत्याशी? लखनऊ उन्नाव में 2 प्रत्याशी, बाराबंकी में 3 प्रत्याशी, सीतापुर में 3 प्रत्याशी, हरदोई और लखीमपुर खीरी में 1-1 प्रत्याशी, रायबरेली में 4 प्रत्याशी, प्रतापगढ़ में 6 प्रत्याशी, सुल्तानपुर में 4 प्रत्याशी, बहराइच में 2 प्रत्याशी, आजमगढ़ मऊ में 5 प्रत्याशी, गाजीपुर में 2 प्रत्याशी, जौनपुर में 3 प्रत्याशी, वाराणसी में 3 प्रत्याशी, गोंडा में 3 प्रत्याशी, फैजाबाद में 3 प्रत्याशी, बस्ती सिद्धार्थनगर में 3 प्रत्याशी, गोरखपुर महाराजगंज में 2 प्रत्याशी, देवरिया में 6 प्रत्याशी, बलिया में 2 प्रत्याशी, मिर्जापुर सोनभद्र प्रयागराज में 5 प्रत्याशी, बांदा हमीरपुर में 1 प्रत्याशी, झांसी जालौन ललितपुर में 4 प्रत्याशी, कानपुर फतेहपुर में 2 प्रत्याशी, इटावा फर्रुखाबाद में 3 प्रत्याशी, आगरा फिरोजाबाद में 5 प्रत्याशी, मथुरा एटा मैनपुरी में 1-1 प्रत्याशी, अलीगढ़ में 1 प्रत्याशी, बुलंदशहर में 1 प्रत्याशी, मेरठ गाजियाबाद में 6 प्रत्याशी, मुजफ्फरनगर सहारनपुर में 5 प्रत्याशी, मुरादाबाद बिजनौर में 2 प्रत्याशी, रामपुर बरेली में 3 प्रत्याशी, बदायूं में 1 प्रत्याशी, पीलीभीत शाहजहांपुर में 4 प्रत्याशी। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ हमले में गिरफ्तार हुए आरोपी मुर्तजा अब्बासी के वीडियो पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। और इस घटना एक बड़े साजिश का हिस्सा है और हर एक पहलू पर विचार किया जा रहा है। आज जो वीडियो सामने आया है उसके बारे में भी पूरी तहकीकात हो रही है और उस व्यक्ति के द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी रिमांड में जो अभियुक्त है उससे एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। घटना गोरखपुर हमले के आरोपी ने कहा है कि CAANRC कर्नाटक में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, जिसके चलते यह कदम उठाना पड़ा। आरोपी ने बताया कि घटना से पहले नेपाल में मैं सो भी नहीं पाया था, तो वही कबूलनामे को सुनकर लग रहा है कि इसको इतना रेडिकलाइज किया गया है कि ये मरने की तैयारी के साथ आया था। समान आया अगर बताया तो उन्होंने कहा देखो भाई ये थोड़ा सीरियस लग रहा है, सीसीटीवी देखा सबको लग रहा है कि पुलिस वाले हैं और ये समान का ऐसे कह रहे हैं और सीरियस लग रहा है तो देख लो भाई क्या है कि यहाँ रहोगे कहीं जाओगे। तो हमें लगा कि हाँ भाई बेकार शादी में जाकर पुलिस है फिर डर गए बहुत डर लग गए तो हम नौगढ़ के निकल लिए एक गाड़ी लेकर। हाँ तो
खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के दृष्टिगत 2 मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होंगे। वहीं मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने वाले पैम्पलेट और बैलेट का नमूना मतदाताओं के अवलोकनार्थ मतदान केंद्र पर चस्पा कर दिया। खबर संभल से है, जहां जिलाधिकारी श्री संजीव रंजन की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी उमेश कुमार त्यागी ने विभाग के बारे में जानकारी दी और विस्तार पूर्वक योजनाओं के बारे में अवगत कराए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन कार्ड धारकों के अपराध कार्ड जारी हो गए हैं, उनको सर्वे कराकर कार्ड धारकों का कार्ड निरस्त किया जाएगा और उनकी जगह पर 5 लाभार्थी का कार्ड दिया जाएगा। खबर आगरा से है, नगर निगम कर्मचारियों ने नए समय परिवर्तन को लेकर हंगामा काटा है। आपको बताते चले कि कर्मचारियों की मांग की पुराने समय पर ही दफ्तर खोले जाए, प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त के कार्यालय के साथ ही नगर निगम के सभी दफ्तर में तालाबंदी की गई। इस प्रदर्शन में महिला और पुरुष कर्मचारी शामिल हुए हैं। हम लोगों को सबसे बड़ी परेशानी यह है क्योंकि 50% इसमें महिलाएं हैं। अगर महिलाएं सुबह 5 बजे आएंगी तो कम से कम इनको 1-2 घंटे 1.5 घंटे पहले उठना पड़ेगा, यानी 3:30 बजे। अब 3:30 बजे जब महिला उठकर अपने ड्यूटी पर आएंगी तो अपने बच्चों को तैयार करके नाश्ता वास्ता बनाकर कैसे भेजेंगी? हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा, हमारे बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे। ये किसी भी सूरत में हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हमने दिनांक 1 अप्रैल को माननीय नगर विकास मंत्री के नाम नगराज महोदय को एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमने अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी जो एक सूत्री मांग है वो अगर हमारी जो मांग पूरी नहीं हुई, जो समय पहले था यथावत नहीं रहा, तो हम आंदोलन के लिए बात होंगे। उत्तर प्रदेश स्थानीय न्याय कर्मचारी महासंघ का संरक्षक हूँ। आंदोलन का मुख्य कारण है कि आप सबको ज्ञान होगा और जानकारी है पत्रकार बंधुओं को कि जो 5 बजे की नगर विकास मंत्री की ड्यूटी की है सफाई कर्मचारी महिलाओं की, आप भी ये बताइए 4 बजे उठ के वो खाना बनाएंगी, बच्चों को कब भेजेंगी? वो अगर 5 बजे ड्यूटी आए तो पढ़ने बच्चों का हमारा 20 साल समाज पीछे हो जाएगा। 20 साल हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, इससे बड़ा हमारे ऊपर और कौन सा कुटार खा दो जिससे आप पदोन्नत, जिससे हमारा समाज का विकास हो, शिक्षा प्राप्त करें बच्चे। जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो समाज का विकास कैसे होगा, आप बताएं मुझे। खबर गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र से, जहां शहीद नगर कॉलोनी में रहने वाली एक युवती को विशेष धर्म के लोगों ने प्रताड़ित किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इस दौरान वहां सीसीटीवी कैमरे लगवाकर निगरानी की गई और पुलिस प्रशासन ने हिंदू परिवार की सुरक्षा को लेकर मकान की दीवार ऊंची कराते हुए खुले स्पेस को ढकने की बात कही। खबर अलीगढ़ से है, अचानक तस्वीर महल के में आग लग गई, देखते ही देखते आगे आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं आग की लपटों में नगर निगम और मनोरंजन विभाग की गाड़ियों, रिक्शे और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। वहीं राहगीरों की सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग की लपटों पर काबू पाने का प्रयास किया। बताते चले कि आग लगने की वजह अभी तक नहीं पता चल सकी है। हमारे यहाँ फायर स्टेशन सूचना पहुंची थी कि तस्वीर महल के पीछे कबाड़े में आग लगी है, तो हमारे यहाँ से एक छोटी गाड़ी वाटर मिस्ट, एक बड़ा टैंकर आया जिसने पंपिंग कर आग पर नियंत्रण किया और आग है वो जंगल में और गाड़ी पे महिंद्रा जीप है जिसका नंबर नहीं है। सिनेमा हॉल में गर्मी के टेम्परेचर के अचानक मुझको अभी अवगत हुआ अभी 1 घंटे पहले कि इसमें आग लगी, क्योंकि पीछे अभी हॉल पड़ा परिसर बंद, इसमें झाड़ वगैरह बरसात होगी, झाड़ जंगल होगी तो वो गई है सूख, और सूखने के बाद में अचानक आग लग गई है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन करा 112 नंबर पर, लेकिन 112 पर डायल ना होकर मुझे मजबूरन कंट्रोल ऑफिस जाना पड़ा और वहाँ पर नोट करा कर आया हूँ। उसके बाद उन्होंने अवगत कराया कि अभी जल्दी हम फायर की गाड़ी भेज रहे हैं। मतलब आपको खुद जाना पड़ा? मुझे खुद जाना पड़ा, क्योंकि नंबर ही डायल नहीं हो रहा। ठीक, अब किस तरह की आग लग रही है और क्या है बराबर में? इसके बराबर में पेट्रोल पंप है और इस वक्त जो अंदर कूड़ा वगैरह, पेड़ों की सूखी पत्ती वगैरह पड़ी है, लकड़ी वगैरह, उसमें आग लगी हुई है। मुझे डर है कि थोड़ा बराबर में कहीं और परिसर में ना पड़े। खबर गाजीपुर से है, रिटायर्ड फौजी के घर पर चोरी की घटना का मामला सामने आया है। बताते चले कि बदमाश 25,000 की नकदी, 15 लाख के जेवरात और लाइसेंसी पिस्टल लेकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष से घटना के संबंध में जानकारी ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
खबर कानपुर से है, जहां सीसामऊ थाना क्षेत्र में एक युवक का दुकानदार के सामने लगे ठेले वाले से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट और धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान ठेले वाले ने युवक को धक्का दिया, जिससे युवक के सर में गंभीर चोट आ गई। आनन फानन में युवक को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। ये थाना बजरिया क्षेत्र अंतर्गत सीसामऊ बाजार में कल दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। इसमें एक पक्ष में राहुल हैं जो ठेला लगाते हैं और दूसरे पक्ष में मनोज हैं जिनकी वहाँ पे दुकान है। ठेला लगाने के ऊपर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। इसमें मनोज को काफ़ी चोट आई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। आज उपचार के दौरान मनोज की हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। इनकी डेथ के बाद अब पुलिस के द्वारा उसी के अनुरूप आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इसमें जो अभियुक्त राहुल, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसमें भी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से है, यूपीएसटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए कानपुर बाबूपुरवा के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके से अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि शराब कारोबारी नकली शराब बनाकर उन पर अंग्रेजी शराब का ढक्कन लगाकर सेल्समैन के जरिए बिक्री करता था। वही एसटीएफ ने मुख्य आरोपी अंकुर जायसवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 19,400 अंग्रेजी ब्रांड के ढक्कन और 2 टैक्स इनवॉइस एल्यूमिनियम सील्स बरामद किए गए हैं। अंकुर जायसवाल बगल मंडी में रहते हैं। क्या काम करते हो? हम आटे की चक्की काम करते हैं। ये शराब के ढक्कन कौन बेचता है? ये भी काम करते हैं। तो भी बेचते हो? कब से कर रहे हो? अभी से 2-2.5 महीने से इसको चलाया था। कहाँ से लाते हो? मुंबई। कौन बेचता है मुंबई से? सोनू। मुंबई में से तुम्हारा टच हुआ उससे? कैसे सर? उससे कैसे तक तुम्हारा ताल्लुक हुआ? उसका नंबर हमने निकाल लिया। कैसे? एक आदमी का हमारे साथ कौन आदमी था, लेकिन 2 साल पहले सेल्समैनी करते थे। कौन आदमी नाम क्या है? नाम बताया था हमने। क्या नाम? सुमित से, मोबाइल सेल्समैन से नंबर निकाल लिया। बांगर बाबू है? सुमित बांगर बाबू। हाँ। वही सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बताते चले कि युवक बहन से मिलकर वापस घर जा रहा था। ओवर ट्रेक के चक्कर में बाइक कार से जा टकराई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं दूसरे की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। अच्छा, तो कई बजे घरे? अभी करीब हमरे घर 3 बजे कल तीन बजे मिल के करीब मैंने आधा घंटा। का नाम रहे भाई के तोहर? अजय। तोहर भाई रहे? हाँ। अब एगो दोस्त रहे ओकर? हाँ। अनिल दोस्त रहे। देखिए, दो लोग देवरी में एक्सीडेंट हुआ था, एक का नाम अमित था, एक का नाम अजय था। अमित को हेड इंजरी थी, उसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। स्थिति जो कि अति गंभीर थी, बचने के चांसेस कम थे, तो ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस के साथ उसको हमने भेजा है। दूसरा एक अजय कुमार नाम का पेशेंट था, जिसकी क्रश इंजरी हो चुकी थी, मतलब कि पैर की बहुत सारी हड्डियाँ टूट गई थी और 4-5 भागों में टूटा था। उसका बचना भी नामुमकिन था, जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मीरपुर में अपने यहाँ में कर रहा था। इलाज के दरमियान ही उसकी मौत हो गई। उसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। पुलिस को हमने सूचना दे दी है, पुलिस आ रही है, पंचायतनामा देकर उसकी पोस्टमार्टम कराएंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।